खतीब फौजिया स्कूलवेयर क्लासेस से। आप मेरे चैनल को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और सब्सक्राइब भी करना, और नई नई रेसिपीज के लिए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बुलेट चिकन सिजलर। उसके लिए हम लेंगे 1/2 kg बोनलेस चिकन के पीसेस। इसको पहले हमको मैरिनेट करना है। मैरिनेशन के लिए हमको चाहिए 1/2 kg बोनलेस चिकन के पीसेस, क्यूब्स में कट, 1 egg, 3 tablespoon मैदा, 2 tablespoon हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 teaspoon हम लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर एंड 1/2 teaspoon लेंगे हम सॉल्ट। अदर इंग्रेडिएंट्स है इसमें हमको चाहिए, 1 tablespoon हम लेंगे इसमें रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस, 1 teaspoon हम लेंगे व्हाइट सेसमी सीड्स, 1 teaspoon हम लेंगे चिली फ्लेक्स एंड 1 teaspoon हम लेंगे पेपर पाउडर। उसके बाद में हम लेंगे 2 tablespoon जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली चॉप लेंगे, 1 हम लेंगे कैप्सिकम को क्यूब में कट, और ऑयल लेंगे फॉर फ्राई एंड उसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट विथ 3 tablespoon मैदा, 2 tablespoon कॉर्नफ्लावर, उसमें 3 tablespoon मैदा, 2 tablespoon कॉर्नफ्लावर, 1 teaspoon सॉल्ट एंड 1 teaspoon पेपर पाउडर एंड डालेंगे हम इसमें 1 egg। इसमें हम डालेंगे 1 egg और इसको अच्छे से मिक्स करके आप 1/2 hours के लिए इसको रख देंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई। अब हम इसका लेंगे सॉस बनाने के लिए पैन। टेबलस्पून ऑयल, इन अ पैन ऐड 2 or 3 tablespoon ऑयल, देन ऐड इसमें डालेंगे हम 2 tablespoon जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज को चॉप एंड फ्राई करेंगे टिल लाइट ब्राउन। 2 tablespoon जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज एंड फ्राई टिल लाइट ब्राउन। इसके बाद हम डालेंगे, लाइट ब्राउन हो गया उसके बाद हम डालेंगे 1 teaspoon व्हाइट सेसमी सीड, व्हाइट टिल सेसमी सीड 1 teaspoon, कैप्सिकम के क्यूब्स डालेंगे। आपको चाहिए आप बड़े डाल दो या आपको चाहिए आप छोटे छोटे भी डाल सकते हैं। मैं थोड़े बिग साइज में ली हूँ। इसको भी फुल फ्लेम पे टॉस करेंगे अच्छे से। स्पून हम डाल देंगे इसमें 1 teaspoon सोया सॉस, 1 teaspoon रेड चिली सॉस और 1 teaspoon ग्रीन चिली का सॉस, 1 teaspoon हम इसमें डालेंगे विनेगर भी। इसमें हम डाल देंगे 1 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1 teaspoon अगेन पेपर पाउडर। फिर इसमें हम डालेंगे डीप फ्राई किया हुआ चिकन और ओनली फुल फ्लेम पे टॉस करेंगे एंड सिजलर प्लेट पे हम उसको कैबेज रख के उसके ऊपर सर्व करेंगे एंड ऊपर से थम्स अप को उसको सिजलिंग के लिए हम इसके ऊपर थम्स अप डाल देंगे। ग्रेवी जो हमने लिए हैं सॉस बनाने उसमें हम अब ये चिकन डालेंगे और इसको फुल फ्लेम पे ओनली टॉस करेंगे। आप इसमें वाटर डाल सकते हैं, ओनली 2 tablespoon वाटर। ये हो गया हमारा चिकन रेडी और
उसके बाद हम इसको सिजलर प्लेट पे सर्व करेंगे सिजलिंग विद थम्स अप। ऐसे भी एक स्टार्टर हो गया है, आप ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं एज अ स्टार्टर। ये सिजलर प्लेट, ये उड़न है। इसके बाद में हम इस पे लेंगे कैबेज के लीव्स। आप इसको चाहिए तो एक जो हमारा सिजलर का चिकन बनाए थे वो ऊपर हम इसके थम्स अप। ट्रे के अंदर डाल दो। थोड़ा सा डाल देना चिकन के ऊपर भी और डालेंगे ये इसके अंदर। ये है हमारा सिजलर। और चाहिए तो वेजेस भी आप साइड में डाल सकते हैं, बॉयल और सॉस वेज थोड़ा सा डाल देना। आपको चाहिए तो इसके ऊपर चीज, कोरिएंडर लीव्स। इसको फिर हम लेंगे सिजलर पेज के ऊपर और सर्व करेंगे।